ओ जालिमा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ मोमी और आज मैं आपके साथ ये ब्लैक पर्पल स्मोकी आई मेकअप शेयर करने वाली हूँ। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है जो मुझे प्रिया ने रिक्वेस्ट किया था। मैंने दो आई शेडो पैलेट्स यूज़ किया है। आप चाहे तो कोई भी आई शेडो पैलेट्स यूज़ कर सकते हैं और इजीली इस लुक को क्रिएट कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बट बिफोर दैट, अगर आप मेरे चैनल में न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, और अगर ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो। ये मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है। सो हेयर आई एम स्टार्टिंग विद द आई बेस। दिस इज़ वेट एंड वाइल्ड फोटो फोकस कंसीलर। अगर आपको इस कंसीलर के शेड्स के बारे में जानना है, आपको कौन सा सूट करेगा, तो आप आई बटन पे क्लिक कीजिए, वहाँ पे आपको इसके शेड्स वाले वीडियो मिल जाएंगे। इसको मैं अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ और उसके बाद मेबेलिन फिट मी कम्पैक्ट पाउडर से इसको अच्छे से सेट कर रही हूँ। आई मेकअप के लिए पहले ही मैंने यहाँ पे एक फ्लफ़ी आई शेडो ब्रश लिया है और अभी मैं यूज़ कर रही हूँ फ्रूट पाई पैलेट, और इसमें से मैं ये दोनों शेड को मिक्स करके अपने क्रीज पर अप्लाई कर रही हूँ। आई शेडो तभी अच्छे लगते हैं जब आप उसको अच्छे से ब्लेंड करते हैं, तो मैं यहाँ पे बहुत अच्छे से इसको ब्लेंड कर रही हूँ। अभी मैंने एक फ्लैट आई शेडो ब्रश लिया है और ये है मिस गोल्ड के आई शेडो पैलेट, और इन सारे के सारे प्रोडक्ट्स के डिटेल्स और परचेजिंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी मैं इसको अपने आईलिड पे अप्लाई कर रही हूँ। इसको आपको पूरे आईलिड पे स्प्रेड करना है, आईलिड के ज़्यादा ऊपर नहीं जाना है, आईलिड के अंदर ही रहना है। फ्लैट ब्रश की एज को यूज़ करके मैं इसको थोड़ा सा बाहर की तरफ एक्सटेंड कर रही हूँ। अभी मैंने इसी आई शेडो पैलेट से एक रेड कलर लिया है और उसको मैं जो पर्पल कलर है उसके साथ अच्छे से स्मज कर रही हूँ ताकि कोई भी हार्श लाइन ना रहे। इस रेड कलर को आपको इनर कॉर्नर पे भी एक्सटेंड करना है और उसी ब्रश को यूज़ करना है, कोई एक्स्ट्रा कलर आपको नहीं ऐड करना है। अभी इस वाइट शिमर कलर को मैं यूज़ करूँगी पेंसिल ब्रश की हेल्प से। ये जो आई शेडो पैलेट है ये बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है, आप देख ही सकते हो। आप चाहे तो इसको परचेज भी कर सकते हैं। अभी ये ब्लैक आई शेडो को लेकर मैं अपने आउटर कॉर्नर पे प्लेस कर रही हूँ एज अ विंग्ड आईलाइनर, और उसको मैं अच्छे से स्मज करूँगी पर्पल कलर के आई शेडो के साथ। ये एक ब्लैक पर्पल स्मोकी आई है तो इसमें कोई भी कलर ज़्यादा उभर के नहीं आना चाहिए, दोनों कलर आपको मिक्स करके अप्लाई करना पड़ेगा। तो आउटर कॉर्नर पे मैंने ब्लैक को अच्छे से ब्लेंड कर लिया, अभी मैं इसको साफ़ कर रही हूँ। और ये है हिमालया काजल, ये बहुत अच्छा है सेंसिटिव आईज़ के लिए, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। पहले मैं इस काजल को अच्छे से स्मज कर रही हूँ और उसके बाद मैं डैब डैब मोशन में इसके ऊपर ब्लैक आई शेडो अप्लाई कर रही हूँ और उसको धीरे धीरे इनर कॉर्नर की तरफ एक्सटेंड कर रही हूँ। अभी मैं वो सेम मिस गोल्ड पैलेट से ये जो ब्लू कलर है इसको यूज़ कर रही हूँ। मिस गोल्ड पैलेट थोड़ा सा चेंज हो गया है, आपको ये अमेज़न पे मिल जाएगा, और इसको मैं अपने इनर कॉर्नर पे अप्लाई कर रही हूँ और धीरे धीरे उसको ब्लैक आई शेडो के साथ अच्छे से स्मज कर रही हूँ। जो भी फॉल आउट्स है मैं उसको क्यू टिप के हेल्प से साफ़ कर रही हूँ। और अभी टाइम है आईलाइनर का। ये आई शेडो बहुत ज़्यादा गॉर्जियस है इसलिए मैंने आईलाइनर बहुत ही ज़्यादा सिंपल रखा है। फाउंडेशन बेस के लिए आज मैंने यहाँ पे क्रायलन का सुप्रा कलर यूज़ किया है और शेड नंबर है FS45 एंड आइवरी। इसको ब्लेंड करने के बाद कुछ ऐसा लगेगा ये। नाउ दिस इज़ द टाइम फॉर मस्कारा। यहाँ पे मैं मेबेलिन का हाइपर कर्ल मस्कारा यूज़ कर रही हूँ। आज मैं बहुत ही ज़्यादा गॉर्जियस आईलैश अप्लाई करके दिखाऊंगी आपको। ये मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था और ये बहुत ही सूट करता है इस लुक के साथ, तो आप चाहे तो इस लिंक के थ्रू इसको परचेज कर सकते हैं। अमेज़न पर भी आपको रेड चेरी आईलैशेस मिल जाएंगे। ये कुछ 3D आईलैशेस है जो कि बहुत ज़्यादा प्रिटी दिखते हैं।
अभी बारी है लिपस्टिक की, तो यहाँ पे मैंने बेरो एमटी का लिपस्टिक यूज़ किया है और इसका कलर मुझे याद नहीं है, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर स्क्रीन में आपको इसका शेड नंबर दिख जाएगा। बट ये थोड़ा सा ड्राई कर देता है लिप्स को, तो मैं इसे ब्रश से अप्लाई कर रही हूँ। अभी मैं हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ फेस के हाई पॉइंट पे। सो दिस इज़ हाउ द एंड रिजल्ट लुक लाइक। आई होप ये लुक आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप इस लुक को रिक्रिएट करते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर या फिर फेसबुक पर ज़रूर टैग करना। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है द गोल्डन गर्ल मो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द होल वीडियो। सब अपने घर पे खुश और हेल्दी रहे। गुड बाय।